मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पिछले दिनों हुई चोरी की दो वारदातों का खुलासा हो गया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से 50,000 रुपए नकद और लाखों रुपए के जेवरात और अन्य सामान बरामद किया है। दबोचे गए बदमाशों ने चोरी की दो वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। सीओ सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि 17 फरवरी को चिरागिया मदरसे के पास अंबा बिहार में सलमा के मकान में अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर जेवरात और नकदी चोरी कर ली थी। सलमा के अलावा बदमाशों ने खालसा पट्टी सुजड़ू में शौकीन के घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी किए थे। दोनों घटनाओं को लेकर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही दोनों घटनाओं का खुलासा करने के लिए टीमें लगाई गई थी। सीओ सिटी ने बताया कि गुप्त सूचना पर जमिया नगर गेट के पास दोनों शातिर बदमाश फिरोज उर्फ अफरोज निवासी खालसा पट्टी सुजड़ू और अब्दुल्ला निवासी कुंगर पट्टी सुजड़ू को अपाचे बाइक के साथ दबोच लिया। दोनों बदमाशों के कब्जे से 50,000 रुपए नकद जेवरात और एक तमंचा मय कारतूस समेत एक चाकू बरामद हुआ है। एक इसमें अवगत कराने है कि 17 फरवरी 2023 को खालसा पट्टी सुजड़ू में एक घर में ताला तोड़कर चोरी की गई थी एवं 6 मार्च 2023 को अंबा विहार में एक किराए के मकान से ताला तोड़कर जेवरात एवं नकदी चोरी हुई थी। इन दोनों ही घटनाओं का सफल अनावरण थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कर दिया गया है। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 50,000 रुपये नकदी, एक तमंचा एवं एक चाकू बरामद किया गया है। दोनों को चोरी की घटनाओं में एक ही अपराधी है सर, अलग अलग? अभी इन दोनों एक ही अपराधी, इन दोनों ही दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से चोरी का माल हमें सक्रिय बरामद कर लिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।